हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्राइट साइड। सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट विटामिन डी पाने का सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है, जो कि ऑक्सीजन की तरह ही हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। सीमित समय के लिए सूर्य के प्रकाश में बैठने से या फिर सन बाथ लेने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सूर्य के प्रकाश में लंबे समय तक रहना सनबर्न, स्किन एजिंग और यहाँ तक कि स्किन कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसलिए बहुत से लोग घर के अंदर रहकर सूर्य के प्रकाश से बचना पसंद करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से दूरी बनाना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सूर्य के प्रकाश के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट। सूर्य ऊष्मा का स्रोत है, सूर्य औषधि बनाता है। हमारे वेदों में भी सूर्य की पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। सूर्य की रोगनाशक शक्ति के बारे में अथर्ववेद में भी कहा गया है। प्राचीन समय में लोग सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करके विटामिन डी ले लिया करते थे, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल के बिजी शेड्यूल की वजह से, इसके अलावा एसी कार, कैबिन सिस्टम, सिटिंग जॉब, इसके अलावा भी कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग धूप नहीं ले पाते हैं। सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट विटामिन डी पाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है, जो ऑक्सीजन की तरह ही हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, इसके लाभ सिर्फ विटामिन डी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई अन्य लाभ भी होते हैं। सनबाथ लेने से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। सनलाइट की यूवी रेज हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी को भी नकारती है और सोराइसिस जैसी बीमारियों से भी छुटकारा दिलाती है। सूर्य का प्रकाश लेने से डिप्रेशन दूर होता है। उचित मात्रा में धूप नहीं मिलने से सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि डिप्रेशन की आशंका बढ़ जाती है। धूप से सेरोटोनिन व एंडोर्फिनिक नामक हार्मोन की उचित मात्रा बनती है। ये हार्मोन हैप्पीनेस का लेवल हम बढ़ाते हैं और डिप्रेशन को दूर करते हैं। सन बाथ लेने से अनिद्रा की बीमारी दूर होती है। धूप में बैठने से शरीर में लैटरन नामक एक हार्मोन विकसित होता है, जिससे कि अच्छी नींद आती है और अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाती है। धूप सेकने से एसएडी यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और नींद की अन्य समस्याएं भी ठीक होती है। धूप से उचित लाभ लेने के लिए हमें सप्ताह में कम से कम 3 या 4 बार सुबह या शाम के समय 20 या 30 मिनट के लिए गुनगुनी धूप में बैठना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।